बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ढेर सारी दुआओं के साथ रुबीनास चैनल में वेलकम। आज की वीडियो जो है वो डीले बटन के बारे में है। मेरे एक व्यूअर ने डीले के बारे में वीडियो बनाने का कहा है, तो स्पेशली डीले के बारे में बात करते हैं। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स काफ़ी सारी जो हैं उनमें डीले का ऑप्शन आता है। मेरे पास जो मॉडल नंबर है आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और राइट साइड पे गोल बटन के साथ लेफ्ट पे डीले का जो ऑप्शन है वो भी आपको नज़र आ रही है। ये बड़ा यूज़फुल जो है वो एक चीज़ है। पहले तो हम ये बात करते हैं कि डीले बटन जो है डीले बटन जो है उसका क्या फ़ायदा है और वो किस मकसद के लिए यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद इसको यूज़ करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी। तो जो डीले बटन है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये इस मकसद के लिए दिया गया है कि अगर आप ये चाहती हैं कि आपने वॉशिंग मशीन जो है वो ऑन कर दी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया, फॉर एग्जांपल कपड़े भी डाल दिए मैंने, वॉशिंग पाउडर भी ऐड किया हुआ, वॉशिंग मशीन भी ऑन कर दिया है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वॉशिंग मशीन मेरी जो है वो कुछ घंटों के बाद काम करना स्टार्ट करे, तो फिर मैं डीले बटन का यूज़ करूँगी। तो ये बड़ी आसानी हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक बार मैंने कहीं जाना था और मैं ये चाहती थी कि मेरी मशीन जो है वो तकरीबन 3 आवर्स के बाद काम करना स्टार्ट हो, तो मैंने डीले बटन जो है वो यूज़ किया और 3 आवर्स का टाइम लगा दिया, तो वो 3 आवर्स के बाद काम करना स्टार्ट हो गई, और जब मैं घर वापस पहुंची तो वो अपना जो है वो साइकिल कम्प्लीट करके कपड़े वॉश कर चुकी थी। इसी तरह अब बात करते हैं कि डीले बटन आपने कैसे यूज़ करना है, कैसे ये टाइम ऐड करना है। तो उसमें सबसे पहले तो आपने वॉशिंग मशीन में वॉशिंग पाउडर आपने ऐड कर देना है, ठीक है। वॉशिंग पाउडर ऐड करने का जो सही तरीका है उसकी वीडियो का आई बटन मैं यहाँ दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले वॉशिंग पाउडर ऐड कर दें, उसके बाद इसमें कपड़े डाल दें, और उसके बाद आपने जो सेटिंग यहाँ पे लगानी है वो आप लगा लें। कॉटन जो मोड आपने सेट करना है वो सेट कर लें, या जो मैनुअल आप सेटिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इको पे सेट कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद हमने डीले बटन को प्रेस करना है। डीले बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो हमारे सामने 2 लिखा हुआ आ रहा है। मे बी कुछ वॉशिंग मशीन में 1 का भी ऑप्शन हो, बट यहाँ मेरी वॉशिंग मशीन में 2 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो 2 का मतलब है कि 2 आवर्स, 2 आवर्स के बाद मेरी मशीन जो है वो काम करना स्टार्ट होगी, ठीक है। इसी तरह इसको अगर हम अगेन प्रेस करेंगे तो ये 1 आवर जो है इसमें प्लस होता जाएगा। तो आप जितने आवर्स का डिले चाहते हैं इतने आवर्स पे आप लगा दें, इतने ही आवर्स के बाद आपकी वॉशिंग मशीन काम करना स्टार्ट करेगी। इसमें मिनट्स का ऑप्शन नहीं है। पहले मोड सेट किया, फिर डीले बटन से टाइम सेट किया, जितने घंटे के बाद आप वॉशिंग मशीन चलाना चाहते हैं उसके बाद आपने स्टार्ट का बटन है वो प्रेस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉशिंग मशीन ने पानी लेना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, और ना ही कोई और इसमें हरकत हुई है। तो अब ये पूरे देखें, डीले का ऑप्शन लग गया, बाकी सारे ऑप्शन बंद हो गए हैं। बाकी सारे ऑप्शन तब स्टार्ट होंगे, वही सेम जो आपने सेट किए हैं वो आफ्टर 6 आवर्स के बाद होंगे मेरी मशीन पे, ठीक है। तो ये बड़ा एक यूजफुल फंक्शन है, इसको यूज करें और अपनी जिंदगियों में आसानियां लाएं, और अपनी जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसकी सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी वॉशिंग मशीन लॉन्ग टाइम आपका साथ दे, और इसके लिए स्पेशली जो वीडियो टब क्लीन है उसमें इसके आउटर बॉडी पार्ट्स की क्लीनिंग भी मैंने बताई हुई है, वो आप देखें। और इसके अलावा बेशुमार वीडियोस हैं जो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने लिंक्स दे दूंगी, वो आप ज़रूर देखें, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। जो इसका नया मॉडल आया है बिल्कुल लेटेस्ट, उसकी भी वीडियो मैंने कि हाउ टू यूज़ दैट मॉडल, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, वो भी आप मैं मेंशन करूं, बट मैं वीडियो का लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी और आई बटन में भी डाल दूंगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारा साथ चलता रहे और हम एक दूसरे से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सीखते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।